फ्रेंड्स, वेलकम टू डायरेक्शनल एकेडमी। माय नेम इज अभिज्ञान। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रिलेशन फंक्शन चैप्टर से कॉम्पोजिट फंक्शन टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम बाइनरी ऑपरेशन टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच कैरीज वन और टू मार्क्स। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इट कैरीज वन मार्क्स, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय A star B, it's a operation given between A and B is equal to LCM of A and B. For all A and B belongs to N, find F star 7 or the operation between 5 and 7. So it is the sign actually for the binary operation. So let us see the solution for this question. Given kya hai? Given is A star B equal to LCM of A and B. So A की जगह अगर 5 हो, 5 और 7 के बीच का हमें बाइनरी ऑपरेशन निकालना है। So LCM of 5 and 7, which is equal to 35, which is the required answer. चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, if the binary operation star on the set of intersect Z is defined by A star B, there is a binary operation between A and B which is defined by A plus 3B square, then find the value of 2 and 4 or the binary operation 2 and 4. So here we can see the value of A is 2 and B is 4. We have to put these values in the equation. It's very simple. So the solution for this question will be like, A binary operation with B is defined by A plus 3B square and it is given as 2 star of 4. So what is A? It is 2 plus 3 into 4 whole square. So 2 plus 3 into 16 is equal to 50, which is the required answer. So friends, ये भी 1 marks question था। Let us see our question number 3 which carries 2 marks. चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस आर कम्यूटेटिव ऑन जेड डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑन क्यू डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। हियर एट ए बी बिलोंग्स टू जेड। हॉस्पिटल में कम्यूटेटिव क्या होगा हमारा? इट विल बी द कंडीशन लाइक, ये अगर हम ये प्रूव कर देते हैं सो वी कैन से इट इज कम्यूटेटिव। ओके, तो देख लेते हैं। ए स्टार बी क्या हो जाएगा हमारा? दिया क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से बी क्रॉस ए हमारा क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, विच इज दिस बोथ इक्वेशन आर सेम। सो वी कैन राइट ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए और बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन दिस टू आर सेम फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड एज डिफाइंड इन द क्वेश्चन। देयरफॉर वी कैन से दिस इज दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव ऑन Z. This is the answer, required answer for the first part. उसी तरीके से हम second part देख लेते हैं। It will be like, at A and B defined belongs to Q. So पिछले question में हमने जैसे किया था, we will do the same with this also. इसमें condition क्या है हमारी? A square plus 2B. उसी तरीके से हम जब इसे करेंगे ऐसा b star a, सो हमारा क्या हो जाएगा? b square plus 2a. सो वी कैन सी फ्रॉम दिस टू इक्वेशन दैट दिस टू आर नॉट सेम। सो वी कैन से a star b इज नॉट इक्वल टू b star a और द बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन दिस टू। सो देयरफॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा है इफ द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट इंटीजर z इज डिफाइंड बाय a star b इज इक्वल टू 3a + b² देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 * 3 एंड 5 * 2।
So basically these are the values of a and b. So let us put in the given equation. So the solution for this will be like, given kya hai hume? Given a star b, or the binary operation between a and b is defined as 3a plus b square. 4 star 3 will be 3 into 4 plus 3 whole square, which will be equal to 12 plus 9. Or we can say the binary operation with 4 and 3, we will get the value as 21. Similarly, for the second one, we will get the value as a. Binary operation between a and b is defined as 3a plus b square, but the values are changed over here. It is 5 and this time 2. So 3 into 5 plus 2 whole square. So we will get the value as 15 plus 4 or 19, which is the required answer. चले फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं व्हिच कैरीज 2 मार्क. फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है लेट बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर डिफाइंड बाय ए स्टार बी. अगेन द इक्वेशन इज गिवन एज ए प्लस बी प्लस ए बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर. सॉल्व द इक्वेशन. फॉर इक्वेशन दी हुई है हमें 2 बाइनरी ऑपरेशन विद 3 बाइनरी ऑपरेशन विद एक्स इज इक्वल टू वैल्यू है हमारी 33. सो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन. लेट अस सी what we will get. So we have 2 binary operation with 3 binary operation with x is equal to 33. So how we can write this one? 2 पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. So we will get 3 plus x plus 3x. क्यों हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें गिवन ऑपरेशन क्या दिया हुआ है आप यहाँ से देख सकते हैं. इट इज गिवन एज ए प्लस बी प्लस ए बी. सो इस कंडीशन में हमारा ए क्या है? इट इज 3 और बी क्या है हमारा? बी इज एक्स. तो हम जब पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू आएगी. सो लेट अस सी व्हेन वी विल सॉल्व फर्दर व्हाट वी विल गेट. वी विल गेट एज 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 प्लस 4x. अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं. It will be a and it will be over b. So what we will get? We will get as 2 plus 3 plus 4x. Simply हम इस equation में put कर दे रहे हैं. 3 plus 4x plus 2 3 plus 4x is equal to 33. That is given in the question. When further solve it, we will get 2 plus 3 plus 4x plus 6 plus 8x is equal to 33. 12x plus 11 is equal to 33 or x is equal to 11 by 6, which is the required answer. चलिए friends question number 6 देख लेते हैं. Find whether the following operation are binary operation or not. हमें तो condition दी हुई है star on n defined by a binary operation with b is equal to defined as a to the power b and star on z plus defined by a binary operation between a and b, which is defined by a to the power b. So we have to see whether these are binary operation or not. So let us see the solution for this question. So we can write as for a and b that belongs to n, which we can see from the question. Kya defined hai hamein? Binary operation between a and b is equal to a to the power b. So हम जैसा कि देख सकते हैं ये a to the power b क्या है? ये यूनिक नेचुरल नंबर है. देयरफोर व्हाट वी कैन से दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n. देयरफोर दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n. उसी तरीके से हम सेकंड कंडीशन देख लेते हैं. लेट a एंड b, वैसा ही हम z प्लस जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, a बाइनरी फंक्शन विद b इज डिफाइंड बाय a टू द पावर b व्हिच बिलोंग्स टू z प्लस. देयरफॉर एज वी हैव सीन हियर द सेम कंडीशन अप्लाई ओवर हियर. सो वी कैन से दिस ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन
z plus it is on n. So this is the required answer. So friend, आज हमने कुछ रिलेशन एंड फंक्शन के बाइनरी ऑपरेशन टॉपिक से 1 marks एंड 2 marks के क्वेश्चन डिस्कस किए. नेक्स्ट वीडियो में हम 4 marks एंड 6 marks के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम द सेम टॉपिक. सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड प्लीज डाउनलोड आवर ऐप डायरेक्शनल अकेडमी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर फॉर मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. टिल देन थैंक यू.